पास आ चुका है और बहुत बहुत गुस्से में है। रोहित सर ने इसको बहुत ज्यादा तंग कर दिया और वो दहाड़ भी रहा है, वो यू कैन सी गाइस रोहित सर ने क्यों इसको तंग कर दिया इतना। और वो गाइस हमें भागना पड़ेगा, ये बाहर की तरफ आ रहा है, चलिए रोहित भागो जल्दी। और जू में कभी भी ऐसे बच्चों के साथ कभी मत बताइएगा वरना आपका अच्छा खासा कार्डियो करवा देंगे। आप देख रहे हो ये तो गाइस यहाँ पे है कलरफुल तोते और पांच छह कुगियां। शक्ल पे मत जाइए इसकी, इसने मुझे इतना तंग किया है, मन तो मेरा करता है यहीं पे बंदरों के साथ इसको छोड़ दूं। भागो 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 भाग, जल्दी भाग भाग आतिक भागो। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज राकेश गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल राकेश फिटनेस टीवी को। आज हम छतरबीर जू जा रहे हैं, रोहित सर, नेहा मैम एंड वरुण सर विद हार्दिक सर। हार्दिक शेक हैंड, हाथ ऊपर करते हैं। सो छतरबीर जू जा रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, वैसे मैंने दिल्ली का जू तो घुमा हुआ है, तो चलिए देखते हैं कैसा है और ये पूरा ब्लॉग शूट करके डालेंगे हम लोग। सी देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं हम लोग। रोहित सर ने बता दिया है और गुज्जा 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 अंदर गुज्जा। मैं आ नहीं रही ना, या। तो हमारी टीम का एक मेंबर कम है, आयान तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी गुज्जा 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 गुज्जा। तो आयान सर नहीं है एंड सो फाइनली गाइज हम लोग एंटर हो चुके हैं और गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है और रोहित सर ने एक बहुत स्मार्ट वर्क किया है। रोहित सर ने ऑनलाइन टिकट बुक कर ली है तो और हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं सारे जने। नया भूत सवार हुआ है सबके ऊपर, सो गाइज ये बहुत ही ज्यादा बहुत ही बड़ी बिग कैट है और ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रखी है लोगों की वजह से। और जो मुझे लगता है कि यार इन्होंने ऐसा क्या बन, इतना भी गैप नहीं होना चाहिए, ये चाहे तो एलिफेंट के ऊपर से भी जंप कर सकती है। ओ माय गॉड ये इधर की तरफ ही क्यों आ रहा है, शिट नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ये बात नहीं कर सकता। सो गाइस आप देख सकते हैं हिप्पोपोटामस चलो जो भी है। तो गाइस मैं इनके बारे में आपको एक जानकारी बता देता हूँ, ये पानी वाले एरिया में रहते हैं और ये लॉयन से ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं, अपने एरिया को बचाने के लिए ये किसी पे भी अटैक कर देते हैं और ये किसी भी एनिमल से नहीं डरते। एंड मैं आपको एक और बात बताता हूँ, पूरे वर्ल्ड में 500 से ज्यादा लोग हिप्पो के अटैक से मरते हैं, मारे जाते हैं, क्योंकि ये अपने एरिया को बचाने के लिए कुछ भी कर देते हैं और किसी के ऊपर भी अटैक करते हैं। 500 से ज्यादा, और लॉइन से 22 लोग साल में मरते हैं लॉइन अटैक से दोबारा, तो ये लॉइन से भी ज्यादा डेंजरस है। लेकिन ये लगते बहुत ही भोले भाले शरीफ, लेकिन जब इनके एरिया में कोई भी आता है तो ये एक सेकंड भी नहीं सोचते उनके ऊपर अटैक करने के लिए। और ये 40 किलोमीटर रफ्तार की से वो भाग सकते हैं, 40 किलोमीटर की रफ्तार से ये भाग सकते हैं। ये देखिए, ये हल्की सी सांस ली इन्होंने, ये फिर नीचे चले गए और ये अभी पानी के अंदर ही सो सकता है। और यू कैन सी गाइस माय गॉड वेरी बिग माउथ, दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते रहे हैं व्हाइट डियर, सफेद रंग के हिरन है यहाँ पे कुछ। गाइस टू एलिफेंट यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, ये व्हाइट इसलिए हैं बिकॉज ये अपनी पूरी बॉडी पे पानी और मिट्टी लगा के रखते हैं ताकि इनको ठंडक मिले और ये जो कीड़े मकोड़े हैं इनकी बॉडी को कम हार्म पहुँचाए इनकी स्किन को, तो इसलिए इन्होंने अपनी पूरी बॉडी पे मिट्टी लगाई हुई है बहुत ही। गाइस हमने अभी देखे हैं एलिफेंट, इन दे आर इंडियन एलिफेंट जो अफ्रीकन
एलिफेंट होते हैं, उनके दांत होते हैं लंबे लंबे और वो थोड़े ह्यूज साइज में होते हैं और उनके कान भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। एंड हार्दिक सर को अभी डायनासोर देखना है, ही इज वेटिंग फॉर डायनासोर। एंड सो गाइस, वॉल्फ के केज में आए थे लेकिन वॉल्फ का मूड नहीं था दर्शन देने का, तो वो नहीं आया। तो वॉल्फ की मैं सबसे बड़ी जानकारी आपको बता देता हूँ, आपने किसी भी सर्कस में किसी भी जगह पे आपको लॉयन देखा होगा, टाइगर देखा होगा, आप कभी भी वॉल्फ को नहीं देखोगे। गाइस, वॉल्फ को आप चाहे बचपन से आप रख लो अपने पास, लेकिन वॉल्फ जब भी मौका मिलेगा भूख लगेगी, वो फाड़ देगा आपको। वॉल्फ एक ऐसी कैटेगरी है जिसको फ्रीडम बहुत पसंद है, इसलिए उसको आप पालतू नहीं बना सकते। ऐसे इनको कह रहे हैं वाइल्ड डॉग, बट ये मुझे वाइल्ड डॉग लग नहीं रहा, ये मुझे फॉक्स लग रहा है। लगता है ये बाहर में निकल जाए, बहुत ही बारीक है और इनकी जो बहुत ही स्ट्रांग, ये लोमड़ी की टाइप के दिखने वाला, तो हम इसे ज्यादा तंग, ये मुझे फॉक्स लग रहा है, ये बहुत ही परेशान कर रखा है। चलिए यहाँ से निकलते हैं, मुझे यहाँ का एरिया कुछ ठीक नहीं लग रहा, माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलिए चलते हैं यहाँ से। भाई लोग, क्या क्या देखा आप लोगों ने, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहा है? एनिमल पकड़ लेगा वहाँ पे तुझे। इधर दे, इधर बता क्या क्या देखा आपने, तुझे नहीं पता? तो कोई एनिमल नहीं है। आजा आजा आते हैं। एनिमल केज में होते हैं। सो गाइस, बचपन में हमने अंगूर खट्टे कहानी सुनी थी चलाक लोमड़ी की, ये वही वो चलाक लोमड़ी है, आज बेचारी सुस्त बैठी है पिंजरे में और अंगूर तो खैर नहीं मिले शायद इनको, इसलिए आज भी उदास लग रही है। तो चलिए चलते हैं, इनके दर्शन बहुत ही मुश्किल से हुए हैं, ये वही वो चलाक लोमड़ी है जिनके अंगूर खट्टे निकले थे। बट मुझे समझ नहीं आया यार, लोमड़ी अंगूर क्या सिखा सकती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो हियर इज गाइस जंगली बिल्ली। जंगली बिल्लियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप देख सकते हो वेरी क्यूट एंड वेरी ब्यूटीफुल। ये ऊपर वाले को ज़्यादा ही क्यूट लग रही है, तो ये है जंगली बिल्लियाँ जिसे डॉन बहुत लाइक करता है। तो कैसा लगा सर आपको? अब जिंदगी में दोबारा जू नहीं आना हार्दिक सर को। तो कल तो आप बहुत शोर मचा रहे थे मुझे जू जाना है, सो हार्दिक सर प्लीज बताएंगे क्या? थोड़ा लाउड बोलिए, आपकी एनर्जी लग नहीं रही। जिंदगी में जू जाना है। अच्छा, जिंदगी में जू जाना है। गाइस पहले ये कह रहे थे मुझे जिंदगी में जू नहीं जाना, और वही। सो गाइस, मेरे मोबाइल का बैटरी बैकअप बहुत डाउन हो चुका है, बेचारा कमजोर पड़ चुका है, तो मैं इसको ग्लूकोज लगाने वाला हूँ। ये देखिए मेरा, ये मैं साथ में पावर बैंक लेके आया हूँ इस बार, एंड ताकि मैं आपको पूरा शूट दिखा सकूं, पूरा जो व्लॉग मैं शूट मैं दिखाने वाला हूं आपको। एक भालू ब्लैक कलर का, यू कैन सी वेरी क्यूट पांडा, वो भी भालू। सो देखिए इसके हाथ में कुछ है और ये खा रहा है कुछ बड़े मजे से, एंड दिखा ऊपर चढ़ के देखते हैं। ओ भाई साहब, ये कुछ अपना टाइम पास सा करते हैं। वाओ वेरी ब्यूटीफुल। डायनासोर के एरिया में हम आए हैं, देखते हैं। एक्चुअल में वैसे डायनासोर नहीं है, बट इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल डायनासोर बनाए हैं। तो कभी ये हिलते हैं कभी नहीं हिलते, और यस और नो का जवाब देते हैं ऐसे बांधे हुए रस्सियों से। अरे कुछ नहीं होता, कोई सारे लोग जा रहे थे, वो छोटे छोटे बच्चे, वो कितना क्यूट बच्चा है। सो बच्चे जा रहे हैं, अरे बच्चे जा रहे हैं, अरे मेरे पास आ जा ना। यार कोई भी नहीं है अंदर, तो भाई लोग यार इसने यार बहुत यार जान खा ली है। सिर बचा के सिर उसके नीचे ले। सो गाइस, हार्दिक बहुत बुरी तरह से तंग कर रहा था और वरुण की गोदी पे चढ़ा हुआ है हार्दिक।
तो ये बहुत ही डरा हुआ है। वैसे हार्दिक तुझे पता ना हनुमान जी की शक्तियाँ? अरे ले, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये देख ले बस। सो गाइस, ये एक डिलोफोसिस डायनासोर था जिसकी हाइट 20 फीट थी अप्रॉक्स, और ये एक नॉन वेजिटेरियन डायनासोर था एंड ये छोटे जानवरों और फिशेस को खाता था। सो गाइस, ये उड़ने वाला डायनासोर है और इसके छोटे छोटे बच्चे इन्होंने दिखा रखे हैं यहाँ पे। सो गाइस, ये टेरानोडन है और इसकी ऊंचाई ये 25 केजी तक का होता है और इसकी जो एक्चुअल हाइट है वो 6 फीट है एंड 6 फीट और 25 केजी तक का इसका वेट होता है। और ये यू कैन सी एक डायनासोर एंड द ब्यूटीफुल डायनासोर बेबी इज हियर। यू कैन सी सो गाइज, आप देख रहे हैं रैप्टर जो है नॉन वेजिटेरियन डायनासोर है जो कि बहुत बड़ा नहीं होता, सिर्फ 6 फीट का होता है, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है क्योंकि ये कुछ भी खा सकता है, किसी के अपने से बड़े जानवर में भी अटैक कर सकता है। सो गाइज, ये है मैमी चार्ल्स जो डायनासोर है, ये वेजिटेरियन डायनासोर है और इसकी हाइट 85 फीट तक होती है और ये 25 टन केजी का है और बहुत ही शांत स्वभाव का रहता है। ये वेजिटेरियन डायनासोर है। 25,000 केजी का, यू कैन सी बहुत ही शांत स्वभाव का है ये। सो गाइस, ये है बहुत ही डेंजरस डायनासोर। तो ये एक नॉन वेजिटेरियन डायनासोर है जिससे सारे खौफ खाते हैं और ये बहुत ही बड़ा है। ये 40 फीट का है और 9000 किलोग्राम का है, लेकिन ये सबको खा जाता है। ये सब बहुत ज़्यादा है, ये इसकी शिकार करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा है। सो गाइस, ये हैं हिरन, तो अब देख सकते हैं। छोटे हिरन है बच्चों, तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। चलिए आगे। ओए हिलाना, वीडियो खराब हो रही है। आपको पता है मेरे कंधे पे कौन बैठा है? अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, दिख रहा है आपको? हाय गाइस, छोटा सा मंकी। अरे सांस नहीं आ रही। तो कभी भी अगर आपको एनिमल देखने का शौक है तो अपने हम उम्र के साथ आइए, इन छोटे बच्चों को कभी मत लेके आइए वरना ये आपकी अच्छी खासी बैंड बजा देंगे। सो गाइस, ये बैठे हुए हैं मिस्टर बारा सिंगा, दो है और जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि हार्दिक ने मेरी बैंड बजा दी अच्छे से। तो मुझे स्नेक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे स्नेक देखने हैं, तो लेट्स सी, चलते हैं स्नेक देखने। स्नेक भी जहाँ पर जो कि हमारे हैबोवाल में बहुत मिल जाती है। चार सिंगों वाला हिरन, पर ये बच्चा है अभी, इसलिए इसके अभी सिंग नहीं निकले। तो चलते हैं नेक्स्ट एरिया में। तो चलिए मैं एक ही बार में आपको दिखा देता हूँ। ये है तोते जो कि बहुत परेशान है पिंजरे में बंद होके एंड नेक्स्ट है ये बिल्ली, खुली छोड़ रखी है बेचारी, वेट करिए कोई एक आधा तोता बाहर निकले तो मैं उसे खाऊं। और ये है रंग बिरंगा सा पक्षी, बेचारा उड़ने की कोशिश कर रहा है, उड़ नहीं रहा। यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल है पक्षी है। सो गाइस, ये है पेंगुइन का, वो जो रहता है पेंगुइन की नस्ल का। सो गाइस, ये है बगुला भगत जो एक पैर पे खड़ा हुआ है और ये मछलियाँ खाता है छोटी छोटी और तपस्या करता है। ये इसमें बहुत ही एक सुंदर जीव जंतु आपके पास लेके आने वाला हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल हिरन है। ये अकेला ही बेचारा यहाँ पे घूमा, अकेला नहीं है भाई, इसके भाई बंधु भी यहाँ पे हैं, आप जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। यू कैन सी गाइस,
दिखाने वाला हूँ आपको एक ऑस्ट्रेलियन ऑर्चिड। सो गाइज, ये जो है ऑस्ट्रेलियन ऑर्चिड बहुत ही बिग साइज का है। आपको मैं बता दूं, ये 40 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है और इसका जो पंजा है वो बहुत ही डेंजरस है। एक पंजे से आपको एक हवा में उछाल के फेंक सकता है ये। तो आप इसे जंगली सांड या जंगली बुल भी कह सकते हो, मुझे नहीं पता क्या है। बट इन्होंने इत्थे चट्टन वास्ते इन्हां नूं काले रंग दा नून भी दिता होया, यू कैन सी। और हालत मेरी बहुत बुरी हो चुकी है यार। ये पे है काले रंग का हंस, आप देख सकते हो हंसों का जोड़ा बहुत ही सुंदर लग रहा है। ब्लैक स्वैग, जैसे कि आप देख रहे हो। सो गाइस, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हिरन है। ये ब्लैक हिरन ने दोबारा जन्म लिया है, जब सलमान खान ने इसको मार दिया था। खैर, उसके ब्रेकअप के बाद ये बहुत ही खुश हुआ होगा। यहाँ पे है इंडियन पाइथन। तो ये मुर्गी को छोड़ा हुआ है, मुर्गी को कैसे खाएगा ये अब हम आपको दिखाएंगे। अच्छा। You can see, guys, a big alligator. Beautiful. Finally, finish ho chuka hai. And बहुत ही मेहनत किया यार इस व्लॉग में। प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जो भी करना हो कर देना। तो चलिए चलते हैं। अगर मैं थोड़ी देर और घूमता ना तो शायद मैं गिर जाता। तो कंप्लीट हो गया हमारा व्लॉग, तो जा रहे हैं हम वापस। थैंक यू सो मच। और ये मंकी मेरे सर के ऊपर, लगता है मुझे इसको भी यहीं पर छोड़ देना चाहिए था। छोड़ दूँ तुझे? चल सॉरी। शक्ल पे मत जाइए इसकी, इसने मुझे इतना तंग किया है। मन तो मेरा करता है यहीं पे बंदरों के साथ इसको छोड़ दूं। गाइस, हम पहुंच चुके हैं वापस। सुबह के 11 बजे से निकले हुए, 8:20 पे हम वापस आए हैं। बैंड बज चुकी है, तो चलिए कल सुबह का व्लॉग बनाएंगे। कल विश्वकर्मा डे है, तो मॉर्निंग का व्लॉग हम इवनिंग में बता देंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी करना कर दीजिए, बस मुझे व्यूज़ चाहिए। थैंक यू सो मच।